माय डियर्स, आई वेलकम यू टू द मुकेश सर चैनल। दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी और आपकी पढ़ाई जो है आप अच्छी तरह से कर रहे हो और मेरा लेक्चर देख रहे हो। तो दोस्तों, पीवाई की सीरीज हमारी शुरू है और मैं धीरे धीरे करके पूरा निपटारा कर दूंगा पीवाईक्यू का। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे वे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल बहुत सीधा है, सादा है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, अगर रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, 4/3। मान लो दो एम्पलीट्यूड है A1 और A2, उनका रेशियो कितना है, 4/3। देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स एंड आई मिनिमम, इनका रेशियो क्या होगा, ये हमें पूछा है। ये सवाल है 2004 का। तो आई मैक्स क्या होता है दोस्तों, जब भी दो वेव्स के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं स्क्वायर में, यानी कि आई मैक्स होता है आई मैक्स इक्वल्स टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर, ये होता है आई मैक्स। और इंटेंसिटी अगर मिनिमम हो गई तो बस यहाँ माइनस का साइन चिपका दो, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये आई मैक्स और ये आई मिनिमम, तो हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है आई मैक्स का और आई मिनिमम का। तो रेशियो ले लेते हैं। तो A1 क्या है दोस्तों, रेशियो में है 4/3, तो A1 किससे मिलता जुलता है, 4 से, और A2 की जगह 3 है, यानी कि A1 इज 4, 4 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ये रहा 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, यानी कि 49/1, दैट इज 49:1। दिस विल बी आवर रेशियो ऑफ आई मैक्स एंड आई मिनिमम। तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये रहा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो दूसरे सवाल में पूछा है दोस्तों, इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स इज 2:1, ये भी उसी तरह का सवाल है और ये उसके अगले साल पूछा है, सेम सवाल है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो A1 बाय A2 कितना, 2:1। देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स एंड आई मिनिमम, ये हमें पूछा है, इक्वल्स टू हाउ मच। तो अभी हमने देखा आई मैक्स बाय आई मिनिमम कितना, आई मैक्स के लिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, A1 कितना, 2, ये रहा 2 प्लस ये नीचे 1 बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 माइनस 1 1, यानी कि 9:1। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये भी कुछ वैसा ही सवाल था, बहुत इजी था, इसलिए मैंने ज़्यादा जल्दी ले लिया। अब ये सवाल दिखने में तो बड़ा है, लेकिन सोल्व करने में बहुत ही आसान सा सवाल है। ये सवाल है किस पे बेस, एम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये सीटी 2006 का सवाल है। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू 500 एंगस्ट्रम। तो लैम्बडा, ये रहा आपका लैम्बडा इक्वल्स टू 500 एंगस्ट्रम। इसको अगर मीटर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, 500 इंटू 10^-10 मीटर। तो ये 30 गए तो इक्वल्स टू आएगा, यहाँ 30 माइनस कर दो, 5×10^-7 का मीटर। आगे द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, स्लिट ऐसे पास पास होते हैं, तो 0.2 mm, बहुत कम डिस्टेंस होता है, इसलिए 0.2 mm। तो स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है छोटा, तो छोटे के लिए छोटा डी, डिस्टेंस के लिए। तो ये रहा छोटा डी इक्वल्स टू
0.2 mm. अगर मीटर में करना हो तो 0.2 × 10⁻³ मीटर। इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 को इधर भेज के 2 × 10⁻⁴ मीटर। आगे क्या बोला है, स्क्रीन इज 2 मीटर आवे, स्क्रीन स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस, तो ये बड़ा डिस्टेंस होता है, तो बड़ा डी कितना 2 मीटर। द सेंट्रल मैक्सिमा इज एट एन इक्वल टू 0। ये रहा सेंट्रल मैक्सिमा, कहां बना, बिल्कुल सेंटर पे बन गया। द थर्ड मैक्सिमम विल बी, तो थर्ड मैक्सिमम पूछा है, तो थर्ड मैक्सिमम विल बी एट डिस्टेंस एक्स, कहां होगा, एक्स डिस्टेंस पे थर्ड मैक्सिमम बनेगा, तो वो बताओ कि वो किसके इक्वल होगा, मतलब एक्स क्या होगा। अगर वो डिस्टेंस एक्स है जहां थर्ड मैक्सिमा बन रहा है, तो वो डिस्टेंस कितना होगा वो हमें पूछा है। तो जब भी एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स का जो भी सवाल आता है दोस्तों, तो लैम्डा सॉरी एक्स एक्स इक्वल्स टू एम लैम्डा डी बाय डी, या यहां आप एन भी लिख सकते हो, यहां सवाल में एन था इसलिए मैंने एम लिख दिया, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो ए वाला एक्स हमें पूछा है, एम क्या है, मैक्सिमा कहां बन रहा है, थर्ड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा के बारे में बात कर रहा है सवाल कि थर्ड मैक्सिमा कहां होगा। तो ये एम कितना 3 × λ कितना 5 × 10⁻⁷ मीटर। और नीचे कौन बचा, हाँ ये बड़ा डी बाकी है, अभी बड़ा डी 2, ये रहा 2 / ये छोटा डी 2 × 10⁻⁴। तो 2 से 2 कैंसल, अगर इसको सिंप्लीफाई और मैं कर दूं तो ये x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 × 5 = 15, ये 15 हो गया, और ये 10⁻⁷, और ये 10⁻⁴ ऊपर लेने के बाद ये 10⁴ बन जाएगा। तो ये −7 + 4 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 × 10⁻³ हो जाएगा, जो कि मीटर में आएगा, लेकिन सवाल पूछा है सेंटीमीटर में, ऑप्शंस में है सेंटीमीटर, तो चलो इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह लिखू 1.5 × 10⁻²  मीटर, इस तरह भी लिख सकता हूँ। और 10⁻²  मीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस, यानी कि थर्ड मैक्सिमा का डिस्टेंस। तो ऑप्शन देखो तो ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, दिखने में क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आंसर बहुत ही छोटा था। तो दोस्तों अगले सवाल अगले सेशन में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।